नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपको बता दें कि धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। एक तरफ जहां पर सरकार इस 100 दिन के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि 100 दिन क्या पूरे 4.5 साल से सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। सीएम ने कहा है कि 100 दिन के कार्यकाल में हुई अहम फैसले, और आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पटरी से उत्तरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया गया है और कोरोना से प्रभावित हर वर्ग को आर्थिक सहायता सरकार ने दी। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों का बुरा हाल हो रखा है, और कहा कि ग्रामीणों को पेयजल के लिए कई किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ता है। डॉक्टरों की कमी के कारण ग्रामीणों को उम्दा चिकित्सीय सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और जब बात नाकामी की आती है, तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भला कैसे पीछे रहती। आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को जुमलेबाजी और फरेब का बता दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार में पूर्व में सीएम रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ रावत की तरह मौजूदा सीएम धामी भी जीरो वर्क सीएम निकले हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन के पिटारे से निकले तीनों सीएम जीरो वर्क साबित हुए हैं। रोजगार, चारधाम यात्रा, स्वास्थ्य, महंगाई को लेकर हर मुद्दे पर धामी सरकार फेल निकली है। जुमलेबाजी में अपने जो दो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तीरथ रावत जी, उनको भी पीछे छोड़कर एक नया कीर्तिमान किया, स्थापित किया, और सबसे बड़े जुमलेबाज साबित हुए इस भाजपा सरकार के तीनों मुख्यमंत्री में से। हामिद जी अव्वल आए हैं हर दिन उत्तराखंड की जनता को भरमाने के लिए, एक नया धूप, हर एक दिन नया जुमला हामिद सरकार का रहा। सरकार को बने हुए 4.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो गया है, और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने समय समय पर उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। और जब हम ये आरोप सरकार पर लगाते हैं कि सरकार द्वारा उत्तराखंड के लोगों से किए गए वादों के अनुरूप कृत नहीं किया जा रहा है, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने भी हमारे इन आरोपों की पुष्टि करने का काम किया। मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने के लिए सरकार बाध्य हुई, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई, उनको भी 4 महीने में हटाने का निर्णय सत्ता में बैठे हुए लोगों ने लिया, और अब तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में जो आए हैं वो नाइट वॉचमैन के रूप से आए हैं। तो आपको बता दें कि सरकार के जहां पर 100 दिन हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, और इन 100 दिनों को जहां पर विकास की सरकार कहा जा रहा है, डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर हमलावर है। और विपक्ष का यहां तक की कहना है कि क्या 100 दिन पूरे के पूरे 4.5 साल जो है वो फेल रहे हैं सरकार के। वहीं सभी आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, इस पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ेंगे जो कि संगठन महामंत्री हैं कांग्रेस से, नवीन पुरुषाली जी जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, और कुंवर जिपिंद्रल जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के। इस मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले चलते हैं कुंवर जिपिंद्र जी के पास। कुंवर जी, सबसे पहले सवाल आपसे यहां पर है, जिस तरीके से विपक्ष सीधे तौर पर हमलावर है, जहां आप लोग 100 दिन के सरकार यानी कि पुष्कर सिंह धामी की जो 100 दिन की सरकार है उसको लेकर बखान कर रहे हैं, तो इन दूसरी ओर अगर विपक्ष को लेकर बात करें तो विपक्ष सीधे तौर पर करे कि क्या 100 दिन पूरे के पूरे 4.5 साल जो हैं वो भ्रष्टाचार के रहे हैं और नाकामयाबी के रहे हैं। जी जपिंद्र जी, जी कौन जपिंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है कि कुंवर जपिंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
मथुरा दत्त जोशी जी के एक बार रुख कर लेते हैं, जो कि संगठन महामंत्री है कांग्रेस से। मथुरा दत्त जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से इन 100 दिनों को सरकार को भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीट कर कह रही है कि सरकार सफल रही है और तमाम काम इन 100 दिनों में किए गए हैं, यहां तक कि इन 100 दिनों से कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को टक्कर दी जा रही है। देखिए कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है जी, कि क्या जो 100 दिन पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे क्या जी, या 100 दिन पहले तक क्या भाजपा का राज नहीं था जी, या स्पेशली पुष्कर सिंह जी की ही उपलब्धियों को गिनेंगे जी, पुराने मुख्यमंत्री नालायक थे या निकम्मे थे, या पुराने मुख्यमंत्रियों का अपना कोई वजूद नहीं था, या उन्होंने जितना भी काम किया वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे जी, या उनके उसमें जीरो वर्क की बात है, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, इसका मतलब तो यही सिद्ध होता है जी, जो मुख्यमंत्री आएगा वो अपने कार्यकाल की गिनती करेगा, बाकी के कार्यकाल को वो कह देंगे कि ये तो बिल्कुल ही खराब कार्यकाल था, नकारापन था, कोई काम नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी हावी रही, या डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ, वित्तीय व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, ये कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। अभी आपको याद होगा उससे पहले जब कोरोना काल चल रहा था, कीरत सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे, इनके एक मंत्री ने कह दिया कि अगर पुरानी सरकार ने काम किया होता तो हमको ये दिन नहीं देखने थे जी। आज फिर वही बात करें, 100 दिन में अपनी उपलब्धि क्या है, या तो ये बता दें कि हमारी इतनी बड़ी उपलब्धि, आपने काम किया है 100 दिन में, बताइए कितने लोगों को आप 100 दिन में रोजगार दे रहे, सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है मथुरा जी, कुमार जपिंदर जी से भी इस बात पर जानकारी ले लेंगे, उन्होंने क्या कुछ किया। एक बार पहले नवीन पुरुषाली जी का रुख कर लेते हैं। नवीन जी, आपका रुख करना चाहेंगे, जहां एक और आपकी जो तमाम नेता है वो कह रहे हैं कि 100 दिन में आखिर क्या होता है, सरकार ने 100 दिन में आखिर क्या हासिल कर लिया। लेकिन नवीन जी, एक चीज आपको ये भी याद दिला दूं कि दिल्ली में आप ही लोगों ने 49 दिन की सरकार चलाई थी, लगातार आप लोगों ने ढिंढोरा पिटा था कि 49 दिन में आपने वो करके दिखा दिया जो कि कांग्रेस ने पिछले 10 से 15 सालों में दिल्ली में रहकर नहीं करके दिखाया था, और वही अब आप 100 दिन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि 100 दिन में क्या कुछ हो सकता है। देखिए सर, जब आम आदमी पार्टी की पहली सरकार आई थी 49 दिन की सरकार, तो उसके बाद 67 सीटें हमारे आई थी, जो उस बात पर मोहर लगा गई कि 49 दिन का सरकार शासन कैसा रहा सरकार का, उसके बाद 67 सीटें आई। अगर मैं धामी जी की बात करूं, जो एक के बाद एक दो नकारा मुख्यमंत्री यहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दिए, और उनके नकारापन को छुपाने के लिए तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर धामी जी को लाया गया, जिनको राजनाथ सिंह भी कहते हैं कि धाकड़ बल्लेबाज धामी जी हैं 2020 के, तो उनकी उपलब्धि क्या रही आप ये देखें कि 100 दिन में, 100 दिन में धामी जी जो बॉलिंग छोड़ रहे वहां पर खड़े खड़े रहे, और उनके साथ साथ महंगाई खेलते रही, शतक पार कर गई, उनके साथ साथ जो भ्रष्टाचार है वो खेलता रहा, उसने भी टॉप स्कोर किया। तो इस प्रदेश में आप देख सकते हैं कि जब से धामी जी आए तब से उन्होंने केवल और केवल अपनी सरकारी हैसियत, सरकारी समय और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए पूरी सरकार ने अपने चुनावी एजेंडा को तय करने की यहाँ पर कोशिश की, अपनी यात्राएं निकाली, और वहीं दूसरी ओर जो चारधाम यात्रा हमारी रीढ़ है अर्थव्यवस्था की, उस यात्रा को इन्होंने पटरी से उतारा। बड़ी मुश्किल से लोगों को उम्मीद थी कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, कुछ इसमें आर्थिक धनोपार्जन होगा या अर्थव्यवस्था सही चलेगी। रोजगार के फ्रंट पर सरकार पूरी तरह से फेल रही, आपने देखा होगा कि कर्नल कोठाल जी को कैसे आउटसोर्सिंग कंपनी ने 25,000 रुपए लेकर 8,500 रुपए गार्ड की नौकरी दी थी, और उपनल कर्मचारी हमारे रो रहे हैं। आज भी कई डिपार्टमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 महीने से जिनको ना तनख्वाह मिली ना पेंशन मिली है। आप और भी फ्रंट आप हम लगाए, देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार ने किस तरह से गुमराह किया हमारे पंडा पुरोहित समाज को, हाई पावर कमेटी के नाम पर उनको बरगलाया, और आज वो कमेटी आज तक कोई निर्णय नहीं दे पाई, और ऐसे लग रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है देवस्थानम बोर्ड को हटाने के लिए। जो और धामी जी ने खुद सदन से इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया, आपको याद होना चाहिए 26 अगस्त 2021 को जब धामी जी ने सदन से कहा था कि हम बिजली के बिलों पर जो फिक्स चार्ज है और लेट सरचार्ज है उसको माफ करेंगे, लेकिन आज तक भी वो सारे बिजली के बिलों पर लेट सरचार्ज और फिक्स चार्ज आ रहे। तो क्या इन्होंने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अपनी ठीक है नवीन जी, एक बार कुमार जपिंदर जी इसका रुख कर लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं कि क्या कुछ किया सरकार ने 100 दिन में, या फिर क्या कुछ किया सरकार ने पिछले 4.5 सालों में। कुमार जपिंदर जी, आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर मथुरा दत्त जी ने और नवीन जी ने तमाम आरोप यहाँ पर आपकी पार्टी पर लगा दिए, जहां एक और आप लोग ना कि 4.5 साल को बल्कि 100 दिन को लेकर हाईलाइटेड है, तो वहीं दूसरी ओर निशाने पर ले रहा है विपक्ष आपको। आज उनकी आवाज नहीं निकलेगी सर जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, इस वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, उनकी आवाज ही बंद है, वैसे भाजपा की आवाज बंद होगी उत्तराखंड में।
चलिए मथुरा दत्त जी का एक बार रुख कर लेते हैं। मथुरा जी आपका रुख करना चाहेंगे, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी को अगर लेकर बात करें तो तमाम नेताओं का यही कहना है कि सरकार ने काम किया है, सरकार डबल इंजन की रही है और डबल इंजन जिस तरीके से सरकार में रहा है उसी गति से सरकार ने तमाम मुद्दों पर काम किया है। और विपक्ष को लेकर अगर बात करें तो सीधे तौर पर कांग्रेस को यहाँ पर निशाने पर लिया गया भाजपा की ओर से और तमाम भाजपा के नेताओं ने कहा कि जो पिछले 5 साल की सरकार थी कांग्रेस की उसमें कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगर प्रदेश को लेकर बात करें तो प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया, उस गड्ढे को भरने का जो समय है वो लग गया बीजेपी को। देखिए कभी भी किसी भी गड्ढे को भरने का 5 साल का समय नहीं लगता है जी। मेरे भाई नवीन तिवारी जी बैठे हुए, वो मेरी बात को ताकीद भी करेंगे जी। अभी एक महीने पहले इन्होंने कहा वो गड्ढा मुक्त सड़कों का निर्माण करेंगे, जिसको इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है जी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, कम से कम भी नहीं है तो 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार है जी। इन्होंने अब ये कह रहे हैं कि हमने पूरी जितनी सड़कें हैं जो हमारे यहाँ 2400-2500 किलोमीटर सड़कें हैं वो सारी की सारे हमने गड्ढा मुक्त कर दी जी। कोई उसमें अंदाज ही नहीं है कि कहाँ गड्ढा मुक्त किया, कहाँ नहीं किया, कितने बिल बनाए, इतना क्या हुआ, उसकी बलि चढ़ गया इनका चीफ इंजीनियर, उसको हटा दिया, नए चीफ इंजीनियर को लिया, क्योंकि हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ होगी मुझे लगता है, ये तो उनका ये उपलब्धि उनकी है जी। और जी। ये कहते हैं कि 5 साल पुराने, जो 5 साल हो गए हैं और 5 साल पहले हमारी सरकार जी बिल्कुल थी, अगर हमारी सरकार ने नहीं कुछ काम किया था तो ये सरकार चला कहां से रहे ये बताइए जी। इनके 3 मुख्यमंत्री बदल गए, वो क्या कर रहे थे 2 मुख्यमंत्री यहाँ पर, अगर हमारे किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया या किसी के ऊपर कोई केस दर्ज हुआ 5 साल किसी को जेल की सलाखों में ले गए, मैं चुनौती दे के भाजपा को कहता ये झूठ बोलना बंद करें, जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है जी। ये कांग्रेस को गाली दे देगी बिल्कुल। मथुरा दत्त जी, जो आज की जनता है वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसे पता है कि क्या उसके हित में है। एक बार कुंवर जपेंद्र जी का रुख फिर से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर उनका कुछ कमेंट नहीं आया तो डिबेट जो है अधूरी रहेगी, ये बहस अधूरी रह जाएगी। कुंवर जपेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है। कुंवर जपेंद्र जी, यहाँ पर आपकी गैर मौजूदगी में तमाम आरोप प्रत्यारोप आप पर लगे हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर नवीन प्रशाली जी ने कहा है कि भाजपा की बोलती जो है वह बंद हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी पर इस वक्त उठ रहा है वो ये कि 3 मुख्यमंत्री के चेहरे प्रदेश में 4.5 साल में देखने को मिले और जो 100 साल की माफ कीजिएगा जो 100 दिन की बात आप लोग कह रही हैं उसको लेकर भी तमाम सवाल निशाना पर खड़े हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि पिछले 4.5 साल में आपने कुछ नहीं किया तो 100 दिन की क्या बात करें। देखिए ये बोलती बंद होने वाली बात वो कर रहे हैं जिनको अभी उत्तराखंड में आए जुमा 4 दिन हुए हैं और दिल्ली की जनता इनकी बोलती बंद करने के लिए तैयार बैठी है जी। दिल्ली की जनता के अंदर इनके प्रति आक्रोश तो आक्रोश है जी। अरे 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 गुरु जी आपने समझाइए हमें, आप नहीं बताएंगे हमें चुनाव कहाँ है जी। जहाँ आप चुनाव लड़ के आए हैं वहाँ जो कुंवर जपेंद्र जी एक बात मैं भी यहाँ पर कह दूं, अभी हाल ही में दिल्ली में भी चुनाव हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है जिस तरीके से जीती वो सबको पता है। आम आदमी पार्टी जीती थी जी और जीती थी और जिस तरह से आज वहां पे मध्यम वर्ग को जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, आज मिडिल क्लास को किस तरह से प्रताड़ित करके रखा हुआ है और मिडिल क्लास किस तरह से अपनी सुविधाओं के लिए तरस रहा है ये पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से वहां वो फेलियर हुआ है वहां पे आप जो बिजली फ्री पानी फ्री हर चीज फ्री देने के नाम पे चुनाव जीत के आए और कितने परसेंट लोगों को आप फ्री दे रहे हैं, कितने परसेंट लोगों को फ्री दे रहे हैं, एक वर्ग को आप फ्री देके बाकी आप 80% लोगों के साथ छल कर रहे हैं। इन्हें भारतीय राजनीति को दूषित करने की आवाज में इन्हें शर्म आनी चाहिए और इसी तरह की ये राजनीति अन्य प्रदेशों में जाके करना चाहते हैं। एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी रहेगा कि शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसी कई तस्वीर हमने भी देखी है पहाड़ों की कि जहां पर जो तीमारदार होते हैं अपने मरीज को अपने कंधों पर लेकर जाते हैं, ये तस्वीर हमने खुद देखी है। देखिए उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्यों की विकट परिस्थितियों में जिस दिन से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जब पहले सरकार रही, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में
बढ़ चढ़कर काम हुआ है, इस सरकार के रहते भी हुआ है। हो सकता है कि इस सरकार से थोड़ी सी कमी रह गई हो, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार अपने मथुरा दत्त जी का रुख करते हैं। मथुरा दत्त जी, जहां एक और आप कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर सरकार की ओर से कोई काम नहीं किया है, सरकार ने प्रदेश को पीछे ढकेला, लेकिन यहीं पर कुंवर जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर स्वास्थ्य को लेकर तमाम काम किए गए हैं और प्रदेश को उन्नति की राह पर बढ़ाया गया। मैंने आपको एक उदाहरण पहले दिया था जी, जिसमें इनके मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिछली सरकार मैंने उनकी अपनी सरकार थी, जब वो नई सरकार में मंत्री बने हैं त्रिवेंद्र सिंह वाली सरकार थी, अगर उसने स्वास्थ्य की दिशा में ठीक काम किया होता तो हमको ये सब दिक्कतें न होती। तीरथ सिंह की सरकार में किया, एक बात स्वास्थ्य की सेवाओं की बात बता रहा हूँ, पर्वतीय क्षेत्र में क्या स्थिति रही ये सब जानते हैं, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, डॉक्टर हरक सिंह जी जो इनके वरिष्ठ मंत्री हैं, आज भी उनका एक बयान सरकार के खिलाफ आया है, मंत्री रहते हुए कम से कम सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत तो कर रहे हो। उन्होंने स्वयं वो अपने भांजे को भर्ती कराने के लिए अस्पताल दर दर घूमते रहे, ठोकरे खाते रहे, रात को 1:30 बजे जब मैक्स अस्पताल में उन्होंने हंगामा काटा, उन्होंने जब कहा कि मेरी हैसियत ये है और मैं कुंवर जी आऊंगा आपके पास, कुंवर जी आऊंगा आपके पास, ठीक है मथुरा दत्त जी, नवीन जी आपका रुख करूंगा एक बार, ठीक है मथुरा दत्त जी आपका पॉइंट समझ गया मैं, मथुरा दत्त जी आपका पॉइंट समझ गया मैं, ठीक है समय कम है, नवीन जी आपका रुख करूंगा। नवीन जी सवाल यहां पर यह है, जिस तरीके से अभी कुंवर जी ने सीधे तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में आए हुए पहाड़ों पर आए हुए जुमा जुमा 4 दिन नहीं हुए, जानकारी आपसे यहां पर यह लेना चाहूंगा कि इस 100 दिनों को ये 4 दिन कैसे भारी पड़ने वाले हैं। देखिए आप ये देखिए कि 4 दिन आम आदमी पार्टी ने जब से ऐलान किया हम चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी लगातार विभिन्न एजेंडों के साथ जनता से जुड़ी हुई है और जनता का समर्थन जिस हिसाब से मिल रहा है और जो हौसला अफजाई जनता कर रही है उससे तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर मोहर इस बार जनता लगाने वाली है, अपनी सरकार पर मोहर लगाने वाली है। मैं धामी जी की बात करूं, धामी जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो एक बात कही थी उन्होंने कि मैं अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के काम को आगे बढ़ाए, जब वो जीरो वर्क थे तो जीरो से आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो उन्होंने भी अपनी जो जीरो वर्क सीएम के फहरिस्त में अपना नाम जुड़ाया और हर रोज एक जुमला हर रोज एक झूठ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को बरगलाने के लिए कर रही है। और समय आपके पास कम है इसलिए मैं एक ही सेंटेंस में बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सरकारी हैसियत, सरकारी समय, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग अपने चुनावी नफा नुकसान के लिए यहाँ पर कर रही है और जनता का कोई जनहित उन्होंने नहीं किया और अब जनता का आशीर्वाद लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं, इनको जनता का आशीर्वाद देने वाला कुंवर जी का रुख करते हैं। कुंवर जी सुन लिया आपने मथुरा दत्त जी को, नवीन जी को जवाब दीजिए। देखिए हमने नवीन जी को सुना, देखा नवीन जी कितनी तेजी से अपने समय का सदुपयोग कर रहे थे, इसी तरह से दिल्ली के अंदर पार्टी 5 साल की सरकार को बहुत तेजी से निकाल के जाना चाहती है फ्री की राजनीति के नाम से। हम सिर्फ इतना संदेश देना चाहेंगे, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के 25 वर्ष होने के उपलक्ष में जो एजेंडा है कि उत्तराखंड देश के अंदर एक मॉडल राज्य बनेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में और उत्तराखंड एक मॉडल राज्य किस रूप में बनेगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भविष्य की बात की करती है, आज की बात की करती है। युवाओं को रोजगार के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए जाने के प्रयास शुरू हो गए, हम बात आज कर रहे हैं, प्रक्रिया जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो दरवाजे खोलने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन पिछले 4.5 सालों में किस तरीके से ये दरवाजे खोले गए हैं और इन दरवाजों के भीतर एंट्री हुई है युवाओं की। कुंवर जी एक मिनट, नवीन जी एक बार सवाल ले लेने दीजिए। कुंवर जी आप मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि अब जो है दरवाजे खोले गए युवाओं के लिए और उनके लिए मतलब नौकरी के तमाम जो कह सकते हैं कि मौके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन पिछले इन 4.5 सालों में किस तरीके से नौकरी के दरवाजे खोले गए थे युवाओं के लिए और उस दरवाजे से एंट्री हुई है युवाओं की। देखिए दो चीजें, देखिए आज हमें वर्तमान को साकार करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है और वर्तमान में किए हुए कार्यों को जनता देख रही है और वर्तमान में जो सरकार के कार्य और उनके जो रिजल्ट जनता सब कुछ देख रही है। यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये भी होगी कि जनता सब कुछ देखने के बाद किसे चुनती है और किसको जनाधार देती है। नवीन जी, कुंवर जी, मथुरा दत्त जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों लोगों ने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को दिया।
इसी के साथ चुनाव बेहद नजदीक हैं और चुनावी सरगर्मियां जो है प्रदेश में बढ़ चुकी हैं और तमाम पार्टियां जो हैं वो आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। देखने वाली बात होगी 2022 में जनता किसे चुनती है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।